फुटबॉल का इस, तो फाइनली अब से कुछ मिनटों के अंदर WWE का बेस्ट इन बर्लिन पे पर व्यू शुरू होने वाला है। और इस वीडियो के अंदर हम यहां पर WWE के कुछ ऐसे रेसलर्स की बात करेंगे जो बेस्ट इन बर्लिन पे पर व्यू के ऊपर पॉसिबली उनका डेब्यू या रिटर्न कर सकते हैं। वेल पहला नाम जो WWE के बेस्ट इन बर्लिन के ऊपर रिटर्न कर सकता है वो यहां पर ब्रॉक लेसनर होंगे। गाइस यहां पर ये बात हम सभी लोगों को मालूम है, ब्रॉक लेसनर लंबे टाइम से WWE के शो पर अपीयर नहीं हुए हैं। और गाइस यहां पर WWE के अंदर क्योंकि ब्रॉक लेसनर अब भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है, तो हो सकता है WWE के बेस्ट इन बर्लिन पे पर व्यू के ऊपर ब्रॉक लेसनर यहां पर उनका शॉकिंग रिटर्न करे। बट ब्रॉक लेसनर के बाद गोल्डबर्ग वो अगला नाम होगा जो WWE के बेस्ट इन बर्लिन पे पर व्यू के ऊपर पॉसिबली शॉकिंग रिटर्न कर सकता है। वेल वैसे तो गोल्डबर्ग के रिटर्न के जीरो चांसेस है, बट गाइस क्योंकि हाल फिलहाल में गोल्डबर्ग ने WWE की काफ़ी तारीफ की है तो गोल्डबर्ग का रिटर्न भी हो सकता है। बट इसके अलावा WWE की फॉर्मर वुमेन चैंपियन बेकी लिंच भी WWE की एक ऐसी रेसलर है जिनके रिटर्न को लेकर लगातार रूमर चल रही है। और देखना यह दिलचस्प होने वाला है कि बेकी लिंच उनका रिटर्न करती है या नहीं। बट गाइस इन तीनों के अलावा WWE के अंदर तीन ऐसे रेसलर्स हैं जो उनका डेब्यू कर सकते हैं। वेल पहला नाम WWE के न्यूएस्ट साइनिंग स्टेफनी वैकूर है जो यहां पर पॉसिबली बेस्ट इन बर्लिन के ऊपर उनका डेब्यू करेंगी। और स्टेफनी वैकूर के ऑलरेडी साइन करने के बाद वो यहां पर डेफिनेटली शो के ऊपर अपीयर हो सकती है। बट स्टेफनी वैकूर के अलावा जूलिया भी एक बड़ा नाम है जो WWE के शो के ऊपर ऑफिशियली अराइव हो सकती है। और फाइनल नाम AEW सुपरस्टार रिकी स्टार्क होंगे जिनके यहां पर WWE के अंदर आने के काफी रूमर्स है। मतलब ये तो बेस्ट इन बर्लिन को देखकर ही पता चलेगा कि रिकी स्टार या लूचा ब्रोज में से कोई शो पर अपीयर होता है या नहीं।